दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे द्वारा अकेला रह पाना मुश्किल है, किंतु जरा कल्पना कीजिए कि आप इस पूरी दुनिया में अकेले रह जाएं, ना आपके पास भोजन हो और ना ही पानी, यहाँ तक कि आप चल फिर भी नहीं सकते क्योंकि आप एक छोटी सी नाव पर सवार होकर समुद्र के बीचों बीच पड़े हैं। जाहिर है ऐसी कल्पना से भी इंसान सिहर उठेगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि ये सब एक इंसान भुगत चुका है, एक मछुआरा जो समुद्र में खो गया था, बिल्कुल अकेला और भूखा प्यासा। और कमाल की बात ये है कि इस मछुआरे ने यूं ही अकेले 438 दिन समुद्र में बिताए, यानी लगभग एक वर्ष और ढाई महीने। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उस बहादुर मछुआरे की सच्ची कहानी को ही जानते हैं। और यदि ये सच्ची कहानी आपके भी दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ये बात है 17 नवंबर 2012 की। जॉर्ज साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम का मछुआरा मेक्सिको के गांव के तट से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतरा। माना जाता है कि जॉर्ज जैसा बेहतरीन मछुआरा पूरे गांव में नहीं था और शायद जॉर्ज को भी अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही गर्व हो गया था। इसलिए खराब मौसम होने के बावजूद भी उसने करीब 2 दिनों तक लगातार समुद्र में रहकर मछली पकड़ने की ठान ली थी। जॉर्ज के साथ उसका एक सहायक भी था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जॉर्ज और उसके सहायक ने काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ ली थी, किंतु तभी रेडियो पर सूचना मिली कि बेहद तेज तूफान आने वाला है, इसलिए सभी मछुआरे किनारों पर वापस लौट जाएं। बाकी सभी मछुआरे चेतावनी सुनकर किनारों की ओर लौट लिए, किंतु जॉर्ज का जोश अपने शबाब पर था। उसने अभी और मछलियां पकड़ने के लिए रुकने की सोची, किंतु तूफान उग्र हो गया और उम्मीद से 2 दिन पहले ही तूफान जॉर्ज के पास आ पहुंचा। तूफान को दूर से देखते ही जॉर्ज और उसके सहायक ने तेज गति से नाव किनारे की ओर दौड़ा दी, किंतु तूफान की गति के सामने नाव की गति बेहद कम थी। तूफान में फंसकर जॉर्ज की नाव तहस नहस हो गई। रेडियो और नाव का इंजन तक खराब हो गया, किंतु इस भयानक तूफान में भी नाव पूरी तरह से बिखर नहीं पाई। ऐसे में जॉर्ज और उसके सहायक की जान भी बच गई, लेकिन तेज हवाओं में फंसकर जॉर्ज की नाव प्रशांत महासागर के बीचों बीच पहुंच गई। बोट में सिर्फ जॉर्ज एवं उसका सहायक और कुछ मछलियों की क्षतिग्रस्त लाशों के अलावा और कोई नहीं था। हालांकि जॉर्ज की नाव को ढूंढने की काफी कोशिशें भी की गई, किंतु विशालकाय समुद्र में एक छोटी सी नाव को ढूंढना भला कहां संभव है। करीब 5 दिनों तक अन्य नाव और हेलीकॉप्टरों द्वारा खोजबीन चलती रही। उसके पश्चात सभी ने मान लिया कि तूफान में फंसकर जॉर्ज और उसके सहायक की जान जा चुकी है। इधर जॉर्ज एवं उसके सहायक का मारे भूख और प्यास के बुरा हाल था। भूखे पेट उन्होंने समुद्र से पकड़ी मछलियों को ही कच्चा खाना शुरू कर दिया। वहीं समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि पिया नहीं जा सकता, इसलिए दोनों ने कई तरह के जीव समुद्र से पकड़े और उनके तरल को पीकर ही गुजारा करने लगे। समुद्र में हर ओर मानव द्वारा फैलाया गया कूड़ा पड़ा है। इस कूड़े में प्लास्टिक की बोतलें भी शामिल है। जब भी बारिश होती तो जॉर्ज और उसका सहायक इन प्लास्टिक की बोतलों में ही बारिश का पानी खुद के पीने के लिए स्टोर कर लेते, लेकिन बारिश भी हर रोज कहाँ होती है। ऐसे में उन्हें कभी मछलियों का खून पीना पड़ता तो कभी खुद के पेशाब को भी पीने की कोशिशें की गई। दिन गुजरते हुए महीनों में बदलने लगे और कहीं से कोई मदद नहीं मिली। जॉर्ज और उसके सहायक अब पूरी तरह से टूट चुके थे। दोनों नाव पर बैठे बैठे लगातार रोते रहते और एक दूसरे को झूठी हिम्मत देने की कोशिश भी करते रहते। करीब 4 महीनों बाद जॉर्ज के सहायक की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई और उसने समुद्र में शार्क मछलियों के सामने छलांग लगा दी। जॉर्ज ने उसे वापस नाव पर बुलाने की बहुत कोशिश की, किंतु जॉर्ज का सहायक अब आत्महत्या करने का फैसला ले चुका था। साथी के इस कदम के बाद अब जॉर्ज पूरी तरह से अकेला था। अब कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ अपना दुख बांटा जा सके। ऐसे हालात में कोई भी इंसान पागल हो सकता है। जॉर्ज के साथ भी वही हुआ। वो कभी समुद्री कचरे से बातचीत करता तो कभी खुद भी आत्महत्या की कोशिश करता। अचानक एक रोज जॉर्ज को एक समुद्री जहाज गुजरता हुआ दिखाई दिया। जॉर्ज जोरों से चिल्लाने लगा, हवा में पानी को उछालने लगा, किंतु जहाज में से किसी की भी नजर जॉर्ज पर नहीं गई। जरा सोचे कि महीनों तक अकेले हर दिन अपनी जान बचाने का संघर्ष करने वाले एक इंसान को एक मदद की उम्मीद दिखाई दे और वो मदद भी दूर हो जाए तो उस इंसान पर क्या बीतेगी। जॉर्ज अब पूरी तरह से बेबस हो गया था। अब वो मछलियां भी कभी कभार ही खाता था, क्योंकि वो समुद्र में डूबकर नहीं मरना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि भूख के मारे वो नाव में बैठा बैठा ही मर जाए। किंतु कई बार भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए जॉर्ज समुद्र से किसी जीव को पकड़कर खा लेता था। दोस्तों, धीरे धीरे दिन महीने बीतते हुए एक साल में बदल गए। बीतते वक्त के साथ जॉर्ज अब बेहद कमजोर भी हो चला था। वो अधिकतर समय नाव में बेहोशी पड़ा रहता था। उसे ये पता ही नहीं चलता था कि कब दिन होता है और कब रात। जॉर्ज के अनुसार मारे भूख के वो अनेकों बार कई कई सप्ताह तक लगातार बेहोशी रहता था। कई बार उसे लगता था कि वो मर चुका है और स्वर्ग से एक तेज रोशनी उसे अपने साथ ले जाने को आई है। वहीं अनेकों बार जॉर्ज को ऐसा भी आभास होता जैसे कोई
किनारा ठीक उसके सामने है, लेकिन जब अपनी नाव को लेकर उस ओर जाता तो उसे वहाँ कोई किनारा नहीं मिलता। लगातार इतने लंबे समय तक अकेले समुद्र में रहने के कारण जॉर्ज ना सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी छोटी सी नाव में बैठा हुआ था और तेज चलती हवाएं उसे समुद्र के पानी में किस ओर बहाए ले जा रही थी इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक रोज जॉर्ज को कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने देखा कि समुद्र के पानी में कुछ नारियल तैर रहे हैं। अपने एक साल से भी लंबे सफर में यह नज़ारा पहली बार देखा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर कोई किनारा आसपास ही है, क्योंकि नारियल के पेड़ समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर उगते हैं और वहीं से ये नारियल पानी में बहते हुए उसके पास आ रहे थे। जॉर्ज ने अपनी बोझिल आंखों को पूरा खोला तो उसे थोड़ी दूर पर धुंधले से नारियल के पेड़ भी दिखाई दिए। हालांकि इस तरह से किनारे दिखाई देने के आभास जॉर्ज को पहले भी अनेकों बार हो चुके थे, परंतु इस बार सबूत के तौर पर उसके पास बहते हुए नारियल भी थे। बस फिर क्या था, थके हारे और लगभग मरने के कगार पर जहाँ पहुंचे जॉर्ज में अचानक ही एक ऊर्जा का संचार हो गया। वो तेजी से अपने हाथों से ही नाव को किनारे की ओर तैराने लगे। जैसे जैसे किनारा पास आ रहा था जॉर्ज का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यह किनारा बाकी किनारों की तरह आंखों से ओझल नहीं हो रहा था बल्कि यह किनारा तो और भी अधिक साफ होता जा रहा था। और जब किनारा बिल्कुल सामने था तो जॉर्ज नाव से कूदकर पानी में खुद के शरीर को घसीटते हुए किनारे पर आया। उसके शरीर ने एक लंबे समय बाद भूमि को छुआ था और ऐसे समय में जॉर्ज को कैसा लगा होगा ये बयां करना मुश्किल है। जॉर्ज कमजोरी और लंबे समय तक नाव पर पड़े रहने के कारण अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो काफी समय तक समुद्र के रेत पर ही पड़ा रहा। जिस टापू पर जॉर्ज पहुंचा था वो टापू मार्शल द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसे अटोल नाम दिया गया है। जहां से जॉर्ज ने अपना सफर शुरू किया था वहां से इस टापू की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर पड़ती है। अच्छी बात यह रही कि यह टापू सुनसान नहीं है बल्कि यहाँ इंसानों का घूमना फिरना लगा रहता है। जल्द ही आसपास घूमते लोगों की नज़र जॉर्ज पर पड़ी और जॉर्ज को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआत में सभी लोगों को लगा कि जॉर्ज किसी प्रकार के नशे की हालात में है, लेकिन जब उसने अपनी आप बीती अस्पताल वालों को सुनाई तो किसी को भी यकीन नहीं आया कि कोई इंसान 14 महीनों तक अकेले समुद्र में भी जीवित रह सकता है। पुलिस की मदद से जॉर्ज अस्पताल से ठीक अपने घर पहुंचे तो उनके परिवारजनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि हर किसी ने जॉर्ज को मृत मान लिया था। हालांकि भले ही जॉर्ज सल्वाडोर जिंदा बच गया था, किंतु उसके जीवन से एक बहुत बड़ा विवाद भी जुड़ गया। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि जॉर्ज के जिस सहायक ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या की थी वो असल में आत्महत्या नहीं थी बल्कि भूख के कारण जॉर्ज ही अपने सहायक को मारकर खा गया होगा। वैसे इस तरह के आरोपों को सिद्ध करने का कोई तरीका जॉर्ज के आलोचकों के पास नहीं था, इसलिए जॉर्ज पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। बहरहाल जॉर्ज के सहायक के साथ क्या हुआ था इस सच्चाई को जॉर्ज के सिवा और कोई नहीं जानता, किंतु इतना तो तय है कि जॉर्ज बेहद ही बहादुर और हिम्मती इंसान है, क्योंकि उन्होंने जो सहा था वो सहना शायद किसी और इंसान के बस की बात नहीं थी। वैसे आपका इस सत्य घटना के बारे में क्या सोचना है ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें एवं सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़े रहें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।